शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। शिवसेना ने किया पेट्रोल डीजल वृद्धि का विरोध, वाड़ी के एमआईडीसी पॉइंट पर शिवसेना ने किया नारेबाजी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की वृद्धि के खिलाफ बुधवार को 11 बजे शिवसेना शहर वाड़ी शहर ने एमआईडीसी पॉइंट पर मोदी सरकार के विरोध में नारे निदर्शन किए। इस निदर्शन में सांसद कृपाल तुमाने की प्रमुख उपस्थिति रही। पेट्रोल डीजल की वृद्धि होने से सर्वसामान्य नागरिकों के जीवन पर महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। कोरोना के चलते सरकार इस महंगाई को कम करना जरूरी है। अब यह मुद्दा संसद में आवाज उठाएगा। यह बात सांसद कृपाल तुमाने ने निदर्शन के दौरान किया। शिवसेना शहर प्रमुख मधुमानके ने आंदोलन का आयोजन किया। आंदोलन में उपजिला प्रमुख दिलीप माथनकर, दिवाकर पाटने, नंदू कन्हेर, संतोष केचे, हर्षल काकड़े और अन्य शिवसैनिक मौजूद थे। मधुमानके पाटिल ने हाथ में बैनर लेकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर आंदोलन में हिस्सा लिया। आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश में क्रूड ऑयल के रेट जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में होते हैं वो पिछले कुछ दिनों में लॉकडाउन के समय में माइनस पे चले गए थे, क्योंकि उसका उत्खनन करना और बेचना ये बहुत ज़रूरी रहता है, इसलिए माइनस पे गए थे। लेकिन आज की तारीख का अगर हम रेट देखने जाएं तो ये इतिहास का सबसे कम रेट आज की तारीख में हमारे क्रूड ऑयल का चल रहा है। लेकिन केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम देख रहे हैं कि रोज़ इसमें इजाफा करते जा रही है। पेट्रोल डीजल और सिलेंडर के जो रेट है, जो हमारी महंगाई का कारण है, पहले ही लॉकडाउन के कारण इस देश में महंगाई बड़े पैमाने में बढ़ गई है। सब लोग बेरोजगार हो चुके हैं, लोगों की हालत किसी तरह का आज खर्चा वहन करने की नहीं है। और केंद्र सरकार ऊपर से इस पेट्रोलियम के ऊपर में अपना एक्साइज टैक्स बढ़ा के इसको रोज़ हमें सामना करना पड़ रहा है। इस 20 दिन में लगभग 12 रुपये पेट्रोल और डीजल पे बढ़े हैं, जो हमारे ऊपर ये अन्याय है। मैं केंद्र सरकार की एक मंत्री स्मृति ईरानी जी को एक पूछना चाहता हूँ कि भाई, जो तुम्हारे पास जो चूड़ियाँ हैं, कुछ दिन पहले आपने किसी दूसरे सरकार को, सरकार के प्रधानमंत्री को भेजी थी, वो चुड़िया अगर बाकी हो या वो खुद अगर चुड़िया पहनती है तो वो चुड़िया अभी किसको भेजने वाली है, इसका निर्णय उसने करे। और वो चुड़िया जिस महंगाई को जो जवाबदार है उसको भेजने का कष्ट स्मृति जी ने करना चाहिए, ऐसा मैं आपको इस समय कहूँगा। और केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इस क्रूड ऑयल के रेट कम से कम 25 रुपये कम होना चाहिए, वो पेट्रोल और डीजल और सिलेंडर के रेट जल्द से जल्द उतारने का कष्ट करे। प्रादुर्भावामुळे जनता त्रस्त आहे। गेल्या 3 महिन्यापासून हातातले कामधंदे होते ते निघून गेले, त्याच्यामुळे आर्थिक अडचणीत आजचा हा जो सामान्य जनता आहे ही आर्थिक अडचणीत होरपडून चाललेली आहे। अशातच केंद्र सरकारने अच्छे दिन दाखवायच्या आडून पेट्रोल डिझेल आणि गॅसचे भाव एवढे वाढले की गेल्या काही वर्षाचा उच्चांक इथं त्या डिझेलच्या दरवाढीनं गाठलेला आहे। पेट्रोलपेक्षाही दरवाढ डिझेलची झालेली आहे, गॅससुद्धा वाढलेले आहे, गॅस सिलेंडरसुद्धा वाढलेले आहे। आणि अशा प्रकारे जनता आता उपाशी असताना जनतेचे खिसे खाली करण्याचे जे प्रयत्न मोदी सरकारने केलेले आहे त्याचा मी धिक्कार करतो। महाराष्ट्र, मी हर्षल काकडे, युवासेना जिल्हाप्रमुख व वाडीला नगरसेवक म्हणून काम करतो। आज माननीय मधुजी मानके, वाडी शिवसेना शहर प्रमुख यांच्या नेतृत्वामध्ये पेट्रोल दरवाढी विरुद्ध, मोदी सरकारच्या विरुद्ध घोषणाबाजी व एमआयडीसी टर्निंग येथे मोदी सरकारबद्दल नारेबाजी देऊन पेट्रोलवाढीचं जो शोषण नागरिकांचं होऊन राहिलं त्याबद्दल आम्ही इथे एक मोर्चा बांधलेला आहे। मी मोदी सरकारला आमच्या ह्या मोर्चाच्या नात्याने विनंती करतो। हा शिवसेनेच्या वतीनं, नागपूर जिल्ह्याच्या वतीनं केंद्र सरकारच्या निषेधाचा, केंद्र सरकारचा धिक्कार करण्याचा कार्यक्रम आज शिवसेनेने इथे नागपूर जिल्ह्यामध्ये आयोजित केलेला आहे। केंद्र सरकारने जी पेट्रोल आणि डिझेलची भरमसाठ भाववाढ या देशामध्ये चालवलेली आहे, रोजच्या रोज पेट्रोलचे आणि डिझेलचे भाव वाढ होत आहे, त्यामुळे सामान्य माणूस पहिलेच करोनाच्या महामारीमुळे तो अर्धा मेलेला झालेला आहे। कोणाचे कामधंदे गेलेले आहे, कोणाच्या नोकऱ्या गेलेल्या आहे,
अशा या महामारीच्या काळामध्ये केंद्र सरकार हे सामान्य जनतेचा छळ करणं लावलेला आहे केंद्र सरकारने या मोदी सरकारने, त्याचा निषेध करण्याकरता आज शिवसेना नागपूर जिल्ह्याच्या वतीने आम्ही वाडी येथे हा केंद्र सरकारचा निषेधाचा कार्यक्रम धिक्काराचा कार्यक्रम आज इथे आयोजित केलेला आहे। माझं एकच म्हणणं आहे केंद्र सरकारला की तुम्ही जनतेला चांगले दिन अच्छे दिन दाखवून या सत्तेवर आलेले आहे, पण अच्छे दिन देता देता तुम्ही नाकाम राहिलेले आहे आणि या जनतेची पूर्ण दिशाभूल तुम्ही केलेली आहे। त्यामुळे आमचं इथे आज या धिक्काराच्या कार्यक्रमातून आम्ही केंद्र सरकारला राजीनामा देऊन पुनश्च या देशावर राष्ट्रपती लागवड लागू करण्याकरता आम्ही केंद्र सरकारला इथे सांगू इच्छितो आणि या कार्यक्रमातर्फे या कार्यक्रमादरम्यान आम्ही या केंद्र सरकारचा इथे धिक्कार करतो। मोदी सरकार वृद्धापत, मोदी मोदी सरकार वृद्धापत। NBC न्यूज के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।